गांधी का हर एक मोड़ पर बन जाए। ऐलान कर रहा हूं दंगे की चोट पर मंदिर बनेगा गांधी का हर एक मंदिर तो हर मोड़ पर बन जाए, लेकिन ब्रांच ऑफिस बने, हेड ऑफिस वही रहे। और दादी भक्त जो आज तक दादी की शेरनिया घर में सो रही है, उनको जगाने के लिए दादी आई है और जगाकर आपको कहकर जा रही है कुछ करो ना करो, लेकिन साल में एक बार सोच लो जरूर जाओ। इच्छा है आपकी, किसकी किसकी इच्छा है? ये हमारा बात, यही तो चाहिए। रानी सती फाउंडेशन यही करने के लिए निकला है। मैं 25 दिनों से दादी की सेवा कर रहा हूँ, रोज चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ, यही तो बोलने निकला हूँ और कुछ बोलने नहीं निकला। आप स्वागत कर दीजिए, नाश्ता करा दीजिए, पानी पिला दीजिए, चाय पिला दीजिए, जूस पिला दीजिए, ये नहीं चाहिए। चाहिए क्या? अब की बार भादी अमावस में गिनती लगे, अरे बारे दादी का इतना भगत कट से आ रहा है, झुंझुनू में आज तक बने हुए हो, अब की बार कट से इतना आया। ये आया इसलिए क्योंकि दादी गई आपके घर, दादी गई आपको बुलाकर जा रही है। आओगे तो सारे आओगे। एक बार दादी की सेना में शामिल होकर बोलो, कौन कौन है दादी जी की सेना में? सारे सबने नहीं देखे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा श्री राय सिटी फाउंडेशन ने
काम किया है, दादी जी की ज्योत यात्रा का फेसबुक पेज बनवाया है, श्री रानी सरन फाउंडेशन कोलकाता, ये फेसबुक पेज है। आप जो जो फेसबुक यूज करते हैं वो जरूर इस फेसबुक पेज को खोलें और जाके उसमें दादी जी की ज्योत यात्रा के पेज को लाइक करें, अपनी रिक्वेस्ट सेंड करें, जिससे हमें ये पता चले कि चांडिल में दादी भक्तों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। करेंगे, अरे करेंगे, ये हुआ। और YouTube में भी आप ज्योत यात्रा टाइप कीजिए, जिसके अंदर में 2 तारीख से लेके अभी तक जहां जहां दादी की ज्योत गई है, किस तरह दादी भक्तों ने दादी की ज्योत का स्वागत किया, चांडिल के दादी भक्तों ने किस तरह दादी का स्वागत किया और कितने लोगों ने उन्हें देखा, ये सब आप उसमें देख पाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भक्तों को जुड़िए, आप भी जुड़ेंगे तो हम लोग आगे और भक्तों को जुड़ पाएंगे। इसलिए एक जयकारा श्री रानी सती दादी का बोलिए, रानी सती दादी की जय, वाली से खाली की। हम अनुरोध करूंगा हमारे कैलाश भैया, कैलाश कैलाश जी दादी जी के इस ज्योत यात्रा, श्री रानी सती फाउंडेशन कलकत्ता, श्री दादी जी की दिव्य ज्योत को लेकर भारत भ्रमण के लिए 3 मार्च को अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। इसका मुख्य उद्देश्य दादी जी का घर घर प्रचार करना एवं जो भक्त जुटनू नहीं जा पा रहे हैं उन्हें जुटने दादी जी की दिव्य ज्योत रूप में दर्शन करवाना है और उनसे आग्रह करना है कि वो जुटनू एक बार अवश्य साथ में जाए। इस यात्रा के क्रम में जब हम मैंने अपने प्रांत बंगाल के चांडिल शहर में पहुंचे हैं तो यहाँ के भक्तों का उत्साह देख रही होगी। झारखंड शहर में पहुंचे हैं यहाँ के भक्तों का, हमारे पास समय का बहुत अभाव है क्योंकि आगे में भी हमारा कार्यक्रम दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग का जाने का वक्त तो नहीं कर रहा है, लेकिन अभी जाना पड़ेगा। आगे बलरामपुर वाले को भी टाइम दी हुई है, उसके बाद अभी पूर्णिया भी पूछना है, लेकिन समय का अभाव है। हम चांडिल के भक्तों का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। हमने एक उनके मैंने मंदिर के जो भी पदाधिकारी हैं दादी परिवार, उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे, वो मंच पर आए। आनंद भैया, आनंद पसारी रंजन दिलान की क्या मंच पे आ जाए, तो पूरे भारत वर्ष में भ्रमण करने के पश्चात आज झारखंड के पावन धरती चांडिल पर पधारी है। इसके लिए मैं फाउंडेशन के सभी मेंबरों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय दादी की, जय दादी की। रंजन भैया यथाशीघ्र मंच में आ जाए कृपया। हमारे साथ इष्ट देवर श्री संजय जी शर्मा जिनके भी आप भजन सुन रहे थे, इस यात्रा में ये निशुल्क अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए ताली बजाने के लिए इनका स्वागत करें। इतना ही नहीं, इन्होंने इस यात्रा में एक नया प्रण लिया है कि किसी भी दादी मंदिर में महीने में एक बार मैं मुफ्त मंगल पाठ करूंगा। जो निशुल्क उनके लिए एक बार फिर से तालियां बजाया है और जो भी मंगल पाठ करवाना चाहे इनसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन महीना में एक बार करेंगे। हमारे साथ चल रहे और भी जो म्यूजिशियन टीम है एवं हमारे साथ जो फोटोग्राफर हैं जिनके चलते आप लाइव प्रोग्राम देख पा रहे हैं, उनका भी मान बढ़ाने के लिए एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। जय दादी की, मेरे हाथ
दादी की